ये मालूम नहीं था कि बीजेपी जो है इसको मुद्दे को इतना बड़ा जो है बनाएगी और बीजेपी ने इसको जो है बुलाने का काम किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से जो है कांग्रेस को हार मिली। इसकी समीक्षा करेंगे वो हारे कैसे, कांग्रेस कैसे हारी है, ना कि इन बातों में जो है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से हार गए, ये कहना गलत है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में रातों रात मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे के साथ चर्चा में आए कांग्रेस नेता अकील अहमद एक बार फिर चर्चाओं में। इस बार चर्चा उनके द्वारा उठाई गई मांग से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कांग्रेस की हार की है। लगातार अकील आप पर हार का ठीकरा आपके प्रदेश स्तरीय नेता होड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को अपनी हार समझ रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कमी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मैंने अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग जरूर की थी, लेकिन उसके साथ मैंने 10 बिंदु और भी रखे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बना दिया गया। मुझे मालूम नहीं था कि बीजेपी जो है इसको मुद्दे को इतना बड़ा जो है बनाएगी और बीजेपी ने इसको जो है बुलाने का काम किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से जो है कांग्रेस को हार मिली, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। अगर उत्तराखंड में मैंने बयान दिया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, सहसपुर की बात की, खाली एक विधानसभा की जो है, तो वो 5 राज्यों में कैसे जो है पार्टी की हार हुई? अगर मेरे बयान से जो है 5 राज्य ऐसे कह रहे हैं कि हार हुई, तो फिर 5 राज्य में जो है कैसे हार हुए? उत्तराखंड हार जाते जो है, तो ये कहना गलत है जो है। और आज मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का मैंने भी सोशल मीडिया में देखा कि वो ये कह रहे हैं कि जो है मेरा लेटर ऑफिस में रहता है, पता नहीं कैसे चला गया, किसी ने दे दिया। एक जो है मुझे माननीय प्रभारी जी मोहन प्रकाश जी ने जो है मुझे जो है वो प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा। उन्होंने मुझे मनाने का प्रयास किया कि आप चुनाव न लड़ें, आप जो है पार्टी में काम करें, हम आपको सम्मान देंगे। तो मुझे पार्टी में जो है प्रदेश हमारे प्रभारी ने लेटर दिया, मोहन प्रकाश जी ने लेटर दिया, मुझे जो है ये कहना गलत है कि जो है किसी ने लेटर दे दिया, ये अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे जो है कि वो इसकी समीक्षा करेंगे वो हारे कैसे, कांग्रेस कैसे हारी है, ना कि इन बातों में जो है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से हार गए, ये कहना गलत है। जनता ने निष्कासन की भी मांग उठी है, चर्चाएं हैं। देखिए, मेरे निष्कासन की बात यह है कि अगर पार्टी को संजीवनी मिलती है मुझे निष्कासित करके, तो पार्टी मुझे निष्कासित कर दे। मैं तो कार्यकर्ता कांग्रेस का पहले भी था, आज भी हूँ, और पार्टी के लिए ईमानदारी से मैंने काम किया, पहले भी किया, आज भी किया, 15 साल से करता रहा हूँ। कोई मुझे ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है जो मुझे नहीं जानता, जो ये कहना गलत है। ये खाली अपनी हार का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ने वाली बात है कि आपने अपने जो है क्षेत्रों में तो काम नहीं किया, जाके जो है आप जो है लोगों के जो है संपर्क में नहीं रहे। जब आप चुनाव हार गए तो आप ये करेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम चुनाव हार गए, आप जो है मुझे निष्कासित कर दें, अगर मुझे कहेंगे तो आप इस्तीफा दे दें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये इस तरह की बातें करना मीडिया में जो है इस चीज को उठाना जो है ये गलत है। तो साफ तौर पे आपके लिए कहना है कि कांग्रेस उन पर बेवजह अपनी हार का ठीकरा तोड़ रही है, बावजूद इसके अगर पार्टी को उनकी इस्तीफे से संजीवनी मिलती है तो इस्तीफा देने को तैयार है। दीना साहू, सहसपुर, उत्तराखंड का।